मैं कैसे कहूँ अपना अमानत हो अमानत। फैमिली कोर्ट में हम जितना भी कुछ कर लें, पलड़ा हमेशा औरत का ही भारी होता है। फिर हमारी जज साहिबा खुद एक औरत है और उनके दिल में मेहर साहिबा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पहले से मौजूद है। मुझे तो डर है वो ना सिर्फ खला ग्रांट कर देंगी बल्कि बच्चे की कस्टडी भी उसी वक्त उनको सौंप देंगी। लेकिन अफंदी साहब, आपने तो कहा था कि केस लंबा चलेगा, इतनी आसानी से उसे बच्चे की कस्टडी नहीं मिलेगी। खुला का मुझे मसला नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये केस थोड़ा लंबा चले। कोशिश तो मेरी भी यही थी, मगर वो बच्चे की माँ है, बच्चा अभी बहुत छोटा है, अदालत किसी भी तरह बच्चा आपको नहीं देगी। एक अच्छा ये भी था कि वो मेंटेनेंस क्लेम करेंगे, मगर अभी तक उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई। हाँ, ये जरूर हुआ है कि उन्होंने जज को अपनी तरफ माइल करने के लिए सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। सबूत? कैसे सबूत? वही, बच्चे की पैदाइश पर उनकी तरफ से कॉल की गई थी जिस पर आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और इसी तरह उनका आपके घर आना और आपका उनको वापस भेज देना, और जरा साहब इस तरह आपका उनके बच्चे को उठाकर ले आना जिसकी वीडियो भी उनके पास मौजूद है, और ये सारे सबूत वो अदालत में पेश कर देंगे जिनसे फैसला उनके हक में हो सकता है। तो ये सारे सबूत तो उसके पास पहले भी थे, वो पहले भी ये सबूत पेश कर सकते थे, पहले क्यों नहीं किया उन्होंने? शायद वो इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहते। ये इन्फॉर्मेशन भी हमें इत्तेफाकन मिल गई, वरना हमें पता भी नहीं चलता और हम परसों ये केस हार चुके होते। तो बताइए ना, और क्या हो सकता है? हाँ, एक तरीका हो सकता है, अगर वो हमसे आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट कर ले। मुझे नहीं लगता कि उस बात के लिए राजी होंगे। हाँ, मगर कोशिश तो की जा सकती है। आप कहें तो मैं बात करूं उनके वकील से, या फिर आप खुद ही उनके चचा से कोई बात कर लें इस पर। मैं? इम्पॉसिबल, मैं किसी सूरत महर या उसके रिश्तेदारों से बात नहीं करूंगा, वो बात करना डिजर्व ही नहीं करते। आप इसी फ्रेम ऑफ माइंड में रहे तो ये बात कभी नहीं हो सकेगी। आप रात तक सोच लें, वैसे हमारे पास टाइम बहुत कम है इस केस के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।